सारे कीर्तिमान ध्वस्त होने वाले हैं। आपने अभी आपने प्रिंसिपल उदय जी को सुना, उन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ पर सारी बातें रखी और आज मनमोहन जी ने और करतार सिंह भड़ाना जी ने आप सबका यहाँ पर शानदार आयोजन किया, हम सबको भी इसमें बुलाया। ये मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय बच्चन सिंह आर्य जी, शिक्षा मंत्री हरियाणा हमारी दीदी श्रीमती सीमा त्रिखा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, माननीय विधायक राजेश नागर जी, माननीय विधायक फरीदाबाद नरेंद्र गुप्ता जी, माननीय विधायक कथला नयनपाल रावत जी, दीपक मंगला जी, देवेंद्र चौधरी जी, सुमन बाला जी, जगदीश नायर जी, संजय ठाकुर जी, बलराम कंवर जी, पूर्व विधायक एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण एवं इस जनसभा में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी को अपना मान एवं समर्थन देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्गों, मैं देवभूमि का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने बड़े बुजुर्गों को सबको मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए आप सबका मान एवं आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और आप सबने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी के कामों को देखा है। उन्होंने देश में केंद्रीय मंत्री रहते हुए अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया है। आप सबके लिए गौरव की बात है कि आपने जिनको सांसद के रूप में चुना वो आदरणीय मोदी जी के सहयोगी बनकर मंत्रिमंडल में शामिल होकर पूरे देश में उन्होंने फरीदाबाद का और पूरे हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। भाइयों बहनों, फरीदाबाद के इस गौरव को जो आपकी तरह ही सहज है, आपकी तरह सरल है और कभी लगता नहीं है उनसे मिलने के बाद, मैं अनेक बार उनसे मिला हूं, जितनी बार भी मिला हूं इतनी सहजता से मिलते हैं, कभी उनके अंदर इतना सा भी नहीं दिखाई देता कि वो इतनी बार इतने क्षेत्रों का, लोकसभा का, विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 25 मई को एकजुट होकर एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डंका पूरे विश्व में बजा है। आज भारत चहुमुखी विकास कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में अभी कृष्णपाल जी बोल रहे थे तो किस प्रकार से IIT बने, IIM बने, मेडिकल कॉलेज बने हैं।